ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। चैप्टर जो 9.1 है बीजीय सर समीकाएं, उनके बारे में पढ़ते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है 5xyz² माइनस और दे रखा है 3x। दूसरा आपको दे रखा है, मैं पहले सभी क्वेश्चन आपको नोट डाउन करा देता हूँ फिर आपको मैं सभी का मतलब बता, x + x² फिर आपको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 4x² y² - 4x² y² z² + z² और फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है 3 - PQ + QR - RP और फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है x/2 + y/2 - xy और आपको जो सिक्स क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है 0.3a - 0.6ab + 0.5b। अब इसके अंदर आपको क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। आपको पद भी बता दिया और गुणांक भी बताना है तो उसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे 5x² है तो ये x² है, ये तो क्या है पद है और इसके आगे जो ये संख्या लिखी है ये क्या है गुणांक। ठीक है बच्चों, पद और गुणांक पता चल गया आपको, इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए इसमें देखिए पद कितने हैं, दो, एक है x y z² ये रहा और इसका जो गुणांक है वो कितना है, दूसरा है x y और जो इसका गुणांक है वो कितना है -k 3। ठीक है बच्चों, आगे आपको समझ। इसमें देखिए इसमें जो पद है वो x है और x का गुणांक कितना है 1, ये वाला 1 नहीं है बच्चों। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना आता है 1 होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर x² है और x² का जो गुणांक है वो भी कितना है 1। ठीक है, इसमें देखिए देखिए x² y² ये x² है, इसका गुणांक कितना है 4। फिर आ गया x² y² और z² देखिए और इसका गुणांक कितना है -k 4। फिर है z² और z² का गुणांक कितना है 1। ठीक है बच्चों, ये जो तीनों है वो इसके हैं और ये दोनों जो है वो इसके आंसर है और ये जो दोनों है वो इसके। अब इसको देखिएगा ध्यान से, देखिए सबसे पहले है PQ और PQ का जो मान है वो है -1। फिर है QR का मान है +1। फिर है RP का मान है -1। कितना है बच्चों -1, तो ये तीनों इसके। ठीक है बच्चों, इसमें देखिएगा ध्यान से ये बड़ा वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले x है पद और उसका मान कितना है 1/2। फिर y है, इसका मान भी कितना है 1/2। और फिर है x और y, इसका मान है -1। ये अब इसकी बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसका नोटेशन मैं यही दे देता हूँ, उधर जगह नहीं है। जैसे a है तो a है और इसका गुणांक कितना है 0.5। जो AB है उसका गुणांक है 0.6 और जो B है उसका गुणांक है 0.5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको पद और गुणांक क्या कर देते, अलग कर देते और इस तरीके से आपको आंसर ध्यान रखना। बोर्ड में आपको इसी तरीके से पूछेगा, जैसे आपको देगा 6xyz² तो इसका गुणांक या पद बताइए तो गुणांक 6 है और पद कितना होता है xyz². ठीक है बच्चों, तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन्होंने एक चीज और कर रखी है, जैसे मैं बता
हैं, देखो ये तीन है, इन्होंने तीन को ही पद मान रखा है, और तीन है जो इसका पद कितना हो गया तीन, ठीक है। और इन्होंने पद को क्या कर रखा है, जैसे कंप्लीट, जैसे एक है तो इसका भी कितना हो गया तीन, ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें ये ढूंढना है कौन कौन एक पति है, कौन कौन द्विपति है और कौन कौन त्रिपद है। आपको इनको क्या करना है, वर्गीकृत करना है। और वर्गीकृत कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से, देखिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर दो। निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपद में वर्गीकृत करो, ठीक है। मैं आपको पहले पूरे क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे x प्लस y, फिर आ जाएगा 10,000, फिर आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, ठीक है। फिर आपको दे रखा है 7 प्लस वाई प्लस 5x, फिर आपको आगे दे रखा है 2y माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको दे रखा है, सॉरी यहाँ पर आपको एक चीज और दे रखी है, प्लस 4y क्यूब, आपको इस तरीके से भी दे रखा है। फिर आपको दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 3x, फिर आपको दे रखा है 4z माइनस 15z स्क्वायर, फिर आपको दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, फिर आपको दे रखा है पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस, सॉरी फिर आपको दे रखा है 2p प्लस 2q, आपको इस तरीके से दे रखा है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक पद और द्विपद को क्या करना है अलग, तो आपको इनमें से क्या करने हैं, आपको अलग करने हैं। अलग कैसे करने हैं ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो आपको पहले यहाँ पे वर्गीकृत करना है, यहाँ सबसे पहले एक पद, यहाँ पे लिखना है द्विपद और यहाँ पे लिखना है आपको त्रिपद। कैसे, एक पद द्विपद और त्रिपद क्या होता है ध्यान से देखिए। देखिए ये जो 1000 है ये एक अकेला है तो ये क्या हो गया एक पद, ये इसमें कितनी संख्या है दो, तो ये क्या हो गया द्विपद। और इसको देखिए ये बताइए इसमें पद कितने, एक दो तीन चार, तो बताइए एक पद द्विपद और त्रिपद में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कितने पद आ रहे हैं चार। इसको देखिए एक दो तीन, तो ये हो जाएगा 7 + y + 5, उसको देखिए उसमें भी कितने पद है तीन पद है, तो ये हो जाएगा 2y - 3y² प्लस 4y³, ठीक है बच्चों। अब इसको देखिएगा, देखिए इसमें भी कितने पद आ रहे हैं तीन पद आ रहे हैं, तो इसको भी यहाँ लिख दीजिए 5x - 4y + 3x, इसमें देखिए कितने पद है दो पद है, तो ये हो जाएगा 4z - 15z। अब इसको देखिए, देखिए इसमें कितने पद है चार पद है, और इसमें भी कितने पद है, उसको देखिए उसमें कितने पद है दो पद है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, देखिए सॉरी ये है पी स्क्वायर क्यू और ये है पी क्यू स्क्वायर, तो दो पद थे, उसमें भी देखिए 2p + 2q हो गया हाँ। और देखिए मैं और देखता हूँ इसके अंदर, हाँ बेटा यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन नहीं लिखा, यहाँ पर है पी क्यू आर, तो ध्यान से देखिएगा ये पी क्यू आर क्या है, एक पद है, तो ये आ जाएगा पी क्यू आर। अब देखिए आपके पास ये दो अलग दे रखे, तो ये दोनों अलग आपको नहीं लिखने हैं, रीजन क्या है देखो इसमें कितने पद है एक दो तीन चार, और आपको चार पद पूछ ही नहीं रहा आपसे, एक पद द्विपद और कितने पद पूछ रहा है तीन पद, तो आपको तीन पदों तक के संख्या इसमें लिखनी है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बुक्स के अंदर बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपको पहला दे रखा है ए बी माइनस बी सी, फिर बी सी माइनस सी ए और फिर सी ए माइनस ए बी। आपको इनका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, मैं इसे रफ कर देता हूं। थर्ड का फल देखें आप, आपको क्या रखा है, दो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर, फिर कॉमा लगा के पांच प्लस सात पी क्यू माइनस थ्री पी स्क्वायर। और तो मैंने आपको समझाया था कि जहां पे कॉमा लगता है वहां पे आप प्लस लगा दें। देखिए ये प्लस के दो पी है, ये माइनस के तीन है, तो जब आप इसको घटाओगे तो माइनस के पी स्क्वायर, और ये क्या है थ्री पी क्यू माइनस के, और ये प्लस के सात पी क्यू, तो प्लस के सात में से ये गए तो प्लस के फोर पी क्यू, और पांच और चार कितने हो गए हैं, कितने हो गए, तो सवाल क्या हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसी का, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा दो एल एन प्लस दो एम एन प्लस दो एन एन, आपको ये देगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको, ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। आपको मैंने समझाया जहां पर भी कॉमा लग रहा है उसको हटा के क्या लगा दीजिए, प्लस। आपने सब जगह क्या लगा दिया है, लगा दिया। अब देखिए जोड़िए, देखिए यहाँ एल ये रहा और एक एल ये रहा, तो कितने हो गए टू एल स्क्वायर, एम और एन कितने हो गए टू एम स्क्वायर, एन भी कितने टाइम्स है टू एन स्क्वायर, बचा क्या टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें से, सब में से दो कॉमन ले सकते हैं, तो आपने कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर है टू एल ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एम एन प्लस एम एन, ये हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना था जिसमें आपको योगफल ज्ञात करने थे। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म होती है, कल हम फोर्थ क्वेश्चन के साथ आएंगे जिसमें आपको क्या लिख रखा है, बताइए क्या लिख रखा है बच्चों, बताइए। तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा,
आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं जब तक आज की क्लास नहीं फिनिश होते। थैंक यू एवरीवन।